निशिता। मैं हूं चिराग। और मैं हूं शची। इस वक्त हम हैं दीव में, जो कि गुजरात के पास बना एक छोटा सा आइलैंड है। करीब 1537 से लेकर 1961 तक, यानी कि 424 साल तक यहां पर पोर्तुगीज शासन था। भारत की आज़ादी के करीब 14 साल बाद 7 ऐसे शहर थे जिसके ऊपर पोर्तुगीज शासन था, उनको आज़ादी मिली और इन सभी शहरों को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और दीव उनमें से एक है। इस वक्त हम हैं नागोआ बीच में, जो कि दीव का सबसे फेमस बीच है। आइलैंड होने के कारण दीव में कई सारे बीचेस हैं, पर नागोआ बीच टूरिस्ट में सबसे पॉपुलर है। नागोआ बीच दीव से करीब 8 किलोमीटर दूर है, पर ज्यादातर टूरिस्ट नागोआ बीच के आसपास ही दिखाई देते हैं। इस वक्त हमें दीव फोर्ट पे, जिसे 16वीं सदी में पोर्तुगीज द्वारा बनवाया गया था, इस किले को पोर्तुगीज आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। इसमें मुख्य 3 दरवाजे हैं और इस किले में हर तरफ तोप लगाई गई है ताकि हर तरफ से इस किले की सुरक्षा की जा सके। आज ये किला एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। पोर्तुगीज ने 1537 से लेकर 1961 तक, यानी कि 424 सालों तक दीव पर राज किया, जो कि दुनिया के इतिहास में किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर राज करने का सबसे लंबा अरसा माना जाता है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी कई सारे शहरों पर पोर्तुगीज का कब्जा था। इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री के साथ मिलकर दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और इसके बाद पोर्तुगीज को देश छोड़कर वापस जाना पड़ा और इन सभी शहरों को भी आज़ादी मिली और इसके बाद इन सभी शहरों को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जैसे कि आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइट हाउस भी बनाया गया था ताकि यहाँ से आने जाने वाली बोट को डायरेक्शन दी जा सके। इस जेल को भी पोर्टुगीज ने बनवाया था। इस किले को 7 वंडर्स ऑफ पोर्टुगीज बिल्ड, यानी कि पोर्टुगीज द्वारा बनवाए गए 7 अजूबों में से एक डिक्लेयर किया गया। इस वक्त हम हैं दीव के सेंट पॉल्स चर्च में, जिसे 17वीं सदी में पोर्तुगीज द्वारा बनवाया गया था। इस वक्त हमें दीव की नाइडा केव में, जिसका निर्माण आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि इस केव का निर्माण अपने आप हुआ है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे 17वीं सदी में पोर्तुगीज द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसकी सही हिस्ट्री के बारे में आज भी किसी को नहीं पता।
ये केव सच में बहुत ही ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस है। दीव आने वाले बहुत ही कम टूरिस्ट इस केव को देखने आते हैं। So here we comes to end of our journey to Diu. आज का हमारा सफर बहुत ही exciting रहा। हम पहले नागवा बीच गए, उसके बाद दीव फोर्ट गए, चर्च गए और नाइडा के ओगू में। It was really an exciting journey. Now it's time to go back home.